कंगना रनौत ने कई सवाल उठाए हैं। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद कंगना ने कहा कोई ऐसे ही एक दिन उठकर डिसाइड नहीं कर लेता। साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, महेश भट्ट हो, यशराज फिल्म्स हो, सभी पर सवाल उठाए हैं। कंगना ने लिखा, विद लेटेस्ट प्रोग्रेस वी नीड आंसर टू फ्यू क्वेश्चन। सुशांत सिंह राजपूत रिपीटेडली स्पोक अबाउट बिग प्रोडक्शन हाउस बैनिंग हिम। हु आर दीज पीपल हु कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हिम? Why media spread false news about him being rapist? Why was Mahesh Bhatt doing his psychoanalysis? इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा, He spoke openly about his fallout with Yashraj Films. It's a known fact that he was banned by many big production houses. Many of his films were dumped, which looked like an evident conspiracy. He backed people on social media and told them he is being thrown out of the film industry. His family complained to cops about the threat of his life way before he died. He wanted to live but quit films. He wanted to settle in court but who blackmailed him? Who cornered him in a way that dying was easier than living? Morally and legally, abetment of suicide is a murder. तो उन्होंने कहा कि morally या legally देखा जाए तो अगर आपने किसी को आत्महत्या के लिए भी उकसाया है तो भी वो suicide नहीं, murder है, क्योंकि आपने उसके लिए ऐसी situation पैदा की जिसमें उसे ये लगने लगा कि जीने से बेहतर है मर जाना। तो ये सिचुएशन जिसने पैदा की वो लोग कौन है? महेश भट्ट उसका साइको एनालिसिस क्यों कर रहे थे? क्यों यशराज फिल्म ने उसको बैन किया था? क्यों वो ओपनली लोगों को बोल रहे थे कि मेरी फिल्म देखो नहीं तो मुझे बाहर फेंक देंगे? वो कोर्ट जाना चाहते थे, किसने उसे ब्लैकमेल किया? तो ये सारे सवाल कंगना ने पूछे हैं कि ये आसानी से हम कैसे मान जाए कि सुशांत ने जो है सुसाइड किया है। अगर उसको किसी ने उकसाया भी है तो वो भी किसी मर्डर से कम नहीं। और जाहिर सी बात है, कंगना के ट्वीट पढ़कर ये साफ नज़र आ रहा है कि उनमें भी आप जैसा ही गुस्सा है, हम जैसा ही गुस्सा है कि आखिर क्यों इस तरीके से सीधा सीधा सिर्फ ये बोल देना कि नहीं ये एक सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर नहीं, सुसाइड था और हम मान लेंगे। तो ये सारी बातें क्या जो सुशांत लगातार कह रहे थे, परिवार को भी तो लग रहा था कि कोई उसे मार डालेगा, तो वो सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं, इस बात को जो है अब कंगना ने उठाया है।